पैंच जिस सहयोगी दल के दाव की वजह से फंसा है वो है आरएलडी। सूत्रों से खबर है कि उपचुनाव में जयंत चौधरी अजगर की चाल चलने का मन बना चुके हैं। बीजेपी से वो 3 सीटों की डिमांड करने वाले हैं और मीरापुर आरएलडी के खाते में जाने की जयंत चौधरी को पूरी उम्मीद है, क्योंकि आरएलडी विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने के कारण मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है। वहीं मीरापुर के अलावा भी उनकी पार्टी 2 और सीट चाहती है। अकेले आरएलडी नहीं, बीजेपी की एक और साथी उपचुनाव से पहले उसकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, वो दल है संजय निषाद की निषाद पार्टी। दावा है कि निषाद पार्टी मिर्जापुर की मझवा सीट अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि 2022 में ये सीट उसके पास थी। तब निषाद पार्टी के उम्मीदवार विनोद कुमार बिंदे जीते थे, जो इस वक्त भदोही से सांसद बन गए हैं। वहीं बीजेपी को लेकर चर्चा है कि उसने तय कर लिया है कि वो 10 सीटों में से एक भी सीट किसी भी दल को नहीं देगी, यानी बीजेपी किसी भी सहयोगी दल को सीट ऑफर नहीं करने वाली। और अगर ऐसा हुआ तो जो दल बीजेपी के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं वो तो टूटेगा ही, एनडीए के भी बिखरने का खतरा मंडराने लगेगा। कहीं ऐसा ना हो जो दल अभी एनडीए के साथ है वो सीट ना देने से उनका साथ छोड़ दे। बता दें कि यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें विधानसभा चुनाव होना है। इनमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, करहल, कटहरी, कुंदरकी शामिल हैं। इसके अलावा इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद वहां भी उपचुनाव होना है, यानी कि टोटल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं।